हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वेस्ट कार्डबोर्ड्स और न्यूज़पेपर्स को दोनों को मिक्स करके एक स्ट्रॉन्ग बैट बनाने वाले हैं। ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम एक कार्डबोर्ड को लेना है, उसके बाद दोस्तों हम एक बैट लेकर इसके ऊपर रखकर दोस्तों एक मार्कर से इसका डिज़ाइन दोस्तों मार्किंग कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हो, हम डिज़ाइन को मार्किंग कर लिए थे। उसके बाद दोस्तों हम फिर से एक कार्डबोर्ड लेकर इस बार हम बैट के साइड्स दोस्तों मार्किंग कर लेना है। दोस्तों इस साइड्स को हम कट कर लेना है। आप देख सकते हो, हम दो पीसेस कर लिए थे। उसके बाद दोस्तों हम फिर से मेन डिज़ाइन लेकर उसके ऊपर दोस्तों इंस्टेंट ग्लू लगाना है। दोस्तों ग्लू लगाने के बाद जो साइड्स हैं बैट के, उसे दोस्तों अच्छे से लगा देना है। इसी तरह दोस्तों हम सेकंड साइड भी लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हम फिर से दो छोटे छोटे कार्डबोर्ड्स लेकर दोस्तों जो हमारी हैंडल है बैट की, उस शेप में दोस्तों इसे लगा देना है। दोस्तों आप देख सकते हो, हमारा मेन डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम ज़रा सा टेप लेकर इस मोल्ड के अंदर दोस्तों लगा देना है। दोस्तों टेप लगाने से मोल्ड के अंदर से बैट आसानी से निकलती है, इसलिए दोस्तों हम टेप लगाना ज़रूरी है। दोस्तों आप देख सकते हो, हम पूरे मोल्ड के अंदर टेप लगा दिए थे। उसके बाद दोस्तों हम जो वेस्ट कार्डबोर्ड्स है उनको लेकर छोटे छोटे पीसेस दोस्तों हम कर लेना है। दोस्तों पीसेस कर लेने के बाद इसमें हम जरे से न्यूज़पेपर्स को भी मिक्स कर लेना है। दोस्तों इस पीसेस को हम डस्टबिन में ले लेना है। इसमें ज़रा सा पानी भी डाल देना है दोस्तों, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इस मिक्सचर को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। दोस्तों इस मिक्सचर को हम ग्राइंड कर लेने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे रिमूव कर देना है, और इस मिक्सचर को हम एक बाउल में ले लेना है। दोस्तों इस मिक्सचर में हम फेविकॉल लेकर ज़रा सा फेविकॉल दोस्तों मिक्स कर लेना है। इस तरह से दोस्तों मिक्स कर लेने के बाद इस मिक्सचर को हम जो मोल्ड है दोस्तों बैट का, उसमें डाल देना है। डालकर दोस्तों हम अच्छे से प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों हम तीन स्टिक्स को लेना है। पहले दोस्तों जो बड़ी स्टिक है उसे लेकर इस तरह से साइड में रखना है, जो छोटी वाली स्टिक दोस्तों हम सेंटर में, और लास्ट में भी दोस्तों बड़ी स्टिक रख देना है। दोस्तों इस तरह से स्टिक्स रखने के बाद उनके ऊपर भी दोस्तों हम मिक्सर को फिल कर देना है।
दोस्तों पूरे मिक्सचर को फिल करने के बाद इसे बैट के शेप में कन्वर्ट करना है। दोस्तों कन्वर्ट करने के बाद इसके ऊपर दोस्तों हम फेविकोल को एक लेयर जैसे अप्लाई करना है। दोस्तों आप देख सकते हो हम इसे बैट के शेप में कन्वर्ट कर दिए थे। दोस्तों अब इसे हम 2 वीक्स के लिए धूप में रख देना है। दोस्तों आप देख सकते हो 2 वीक्स के बाद हमारी बैट इसी तरह फिट हुई है। उसके बाद दोस्तों हम इस बैट को मोल्ड के अंदर से बाहर निकालना है। दोस्तों आप देख सकते हो हमारी बैट स्टिक कैसे बन गई है। उसके बाद दोस्तों हम एक कटर लेकर जो एक्स्ट्रा एडजेस है उसे क्लीन कर लेना है। दोस्तों एडजस को क्लीन कर लेने के बाद एक लकड़ी को लेकर दोस्तों हम हैंडल जैसे बना लेना है। इसके बाद दोस्तों हम फिर से फेविकॉल लेकर जो हमारी हैंडल है दोस्तों उसके ऊपर अप्लाई कर दोस्तों इस हैंडल को हम बैट को लगा देना है। दोस्तों हैंडल को लगाने के बाद हम बैट को 1 दिन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों हम एक बाउल में वेस्ट आटे को लेकर उसमें फेविकोल डालकर दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों इस मिक्सचर को हम जो हैंडल के बीच में गैप से इसके ऊपर दोस्तों अप्लाई कर देना है। दोस्तों हम बैक साइड में भी अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों हम एक कार्डबोर्ड को लेना है और जरा सा फेविकोल लेकर दोस्तों पहले हम जो हैंडल के ऊपर जरा सा फेविकोल लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हम जरा सा फेविकोल कार्डबोर्ड के ऊपर भी लगाकर इसे अच्छे से इसके ऊपर चिपका देना है। दोस्तों कार्डबोर्ड हैंडल को और बैट को दोनों को अच्छे से जॉइंट कर देता है। उसके बाद दोस्तों हम थ्रेड लेकर इसके ऊपर अच्छे से लपेट देना है। दोस्तों हम थ्रेड को यहां से लेकर हैंडल तक लपेट दिए थे। दोस्तों ये थ्रेड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा और ग्रिप जैसे भी काम करेगा। इसके बाद दोस्तों हम इस थ्रेड के ऊपर अच्छे से फेविकोल अप्लाई कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हो यह अच्छी तरह सूख गया है। उसके बाद दोस्तों हम पेपर्स को लेकर अच्छे से डेकोरेट कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हो हमारी बैट पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। पहले हम इस बैट की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं।
दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।